हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है हमारी हेयर प्रॉब्लम। जी हाँ, हमारा हेयर फॉल होता है, स्कैल्प जो है इचीनेस होती है, डैंड्रफ होता है। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने बालों को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से रीग्रोथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नेचर श्योर के दो प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक है भृंगराज पाउडर एंड दूसरा है ये सिकाकाई पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है एंड किस तरह से ये बेनिफिट देता है हमारे बालों को। हम अपनी बालों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर उसके लिए हम करते क्या हैं कि तरह तरह के प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं, लेकिन हमको उससे सोल्यूशन नहीं मिलता है। इसके लिए ऐसा है क्योंकि हम जो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं उसके लिए हम परमानेंट इलाज नहीं करते हैं, कोई ना कोई टेम्परेरी इलाज हम ढूंढ लेते हैं। इसीलिए वो हमारे बालों को कोई अच्छा फ़ायदा नहीं मिलता है, इनफैक्ट उसकी जगह हमें बहुत सारे नुकसान मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसे हर्ब्स दिए हैं जो कि हमारे बालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। आयुर्वेदा में बालों के लिए भृंगराज से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है, इसलिए इसे केसराज भी कहा जाता है। अगर आपके बाल बेजान लगते हैं और स्कैल्प ऑयली रहती है तो शिकाकाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। शिकाकाई आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है एंड हेयर थिक और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करके यूज़ करते हैं तो आपके बालों के हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बट आजकल के जनरेशन में इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास कि वो मार्केट जाएं, उसको ख़रीदें, पाउडर बनाएं, फिर यूज़ करें। बट मार्केट में पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी कोई गारंटी या फिर कोई अथॉरिटी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये भृंगराज पाउडर एंड सिकाकाई पाउडर, जो कि नेचर श्योर का है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये दोनों पाउडर आप ऑनलाइन आपको मिलेगा। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इन पाउडर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपको एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो इस बात का प्रूफ है कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, ये 100% नेचुरल एंड प्योर है। इन दोनों ही पाउडर में विटामिन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से यूज़ करना है। आप 2 टेबल स्पून भृंगराज पाउडर ले लीजिए, 1 टेबल स्पून सिकाकाई पाउडर ले लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक मिक्स बना लीजिए। वीक में आप 1 या 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके स्कैल्प के बैक्टीरिया को ट्रीट करता है, नरिश करता है, हेयर फॉलिक्स को स्ट्रेंथ देता है और डैंड्रफ और ग्रे हेयर को दूर करता है। अगर आपके बालों में बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम है उससे आपको ट्रीट करता है। एंड इसके साथ आपको एक रोज़ वाटर मिलता है, ब्रश मिलता है, साथ में आपको एक स्पून मिलती है। तो आप इसी तरीके से इसका एक पैक बना सकते हैं और अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।